हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि वो पराए के स्टार्टर पर ऑटोमेटिक कैसे फिटिंग करना है। आप लोग आमदेव तौर पर देखते हैं कि वो पराए पर 7 बायर वाला ही ऑटोमेटिक होता है, जी रंग से रंग लगता है और जहां पर ब्लैक बायर लगती है। और आज हम आपको बताएंगे ये 9 तार वाला ऑटोमेटिक है, ये कैसे इस पर लगाना है, क्योंकि इस पर तो 7 बायर ही लगती है। आज हम आपको बताएंगे कि 9 कैसे लगाती हैं। तो चलो शुरू करते हैं। आपने पहले ये जो ब्लैक वायर है जिसको काटती होती है, इसको इस साइड लगाना है। जो ब्लैक वायर है वो इस तरफ लगेंगी, ये गांठ वाली इधर लगेगी और दूसरी दो इधर लगेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो सबसे पहले मिल सके। ऐसी वीडियो हम डालते रहेंगे। कई मेरे भाई कंफ्यूज हो जाते हैं कि 7 वाले पे अब 9 वाला कैसे लगाएं। तो अब बताते हैं, ये ब्लू वायर है, ये देखिए। अब बताते हैं कि 9 वाले की फिटिंग कैसे करनी है 7 वाले पर। ये जो रेड ब्लू वायर है इसको ब्लू वायर के साथ जोड़ना है। इसको अच्छे से ऐसे सील लेना ताकि ये नट के नीचे अच्छे से आ जाए। इसको इस रेड वाले पर लगाना है, इधर ये रेड वायर लगी है ना, आपको दिख रही है जी, इस पर लगाना है रेड और ब्लू को। अच्छे से देख लेना कि ये टाइट हो गई। अब जैसे आपको ये वायर तो हमने ज्वाइंट कर दिया, और जो आपको ये कहाँ ऊपर कलर दिख रहे होंगे, येलो व्हाइट ग्रीन, आपको इस तरह से आम जाम आप 7 वायर वाला ऑटोमेटिक ही लगाते हैं, उस तरह से आपको इस तार की बैरिंग कर देनी है। ऐसे येलो की जगह येलो लगा देंगे। और जो ग्रीन की जगह हम ग्रीन वायर लगा देंगे। अब हमारे पास बची है 2 वायर, और जहां पर लगती है एक और बाइट लगती है। इस बाइट को के साथ इसको थोड़ा सा इस ग्रीन को ज्वाइंट करेंगे। बाइट के साथ इस ग्रीन को ज्वाइंट करना है। आप दोनों में से कोई भी ग्रीन यूज कर सकते हैं, इसका कोई चक्कर नहीं है कि आपको यही वाली लगानी है या वही वाली लगानी है। दोनों में से कोई वायर भी आप ज्वाइंट करके बाइट के साथ इसमें लगा सकते हैं। ये देखो आपने, हमने रेड की जगह रेड और ब्लू लगा दिया है, और जो येलो की जगह येलो आ गई, और जो वाइट की जगह वाइट और ग्रीन लग गई है, और जो ग्रीन की जगह ग्रीन आ गई है, और इधर ये ब्लैक वायर लगी। ऐसे लगता है ऑटोमेटिक। तो थैंक्स फ्रेंड्स देखने के लिए, तो सब्सक्राइब कर देना ताकि, और बेल आइकन दबा देना ताकि आपके आपकी पास सबसे पहले वीडियो आ जाए। फ्रेंड्स अब हमने ऑटोमेटिक तो लगा दिया है, अब हमको देखना है कि ऑटोमेटिक को सप्लाई सही मिल रही है या नहीं। अगर ऑटोमेटिक के सप्लाई नहीं सही मिलेगी तो ये रेड वो इंडिकेटर चलाएगा, अगर सही मिलेगी तो ये ग्रीन वाला चलाएगा। और अब हम देखते हैं कि क्या देता है। अगर ये रेड इंडिकेटर दे तो इसमें 2 वायर है इधर,
जो गांठ वाली को छोड़ के जिस पर गांठ दी होती है उसको छोड़ के इन दोनों को आपस में चेंज करना है, इसको इधर इसको इधर, बस और कुछ नहीं करना है। इस वायर को खोल कर इधर लगा देना, इस वायर को खोल कर इधर लगा देना, ऊपर में से कोई नहीं छेड़नी, नीचे से इस वायर को इधर इसको इधर, और जो जिसको गांठ दी है उसको नहीं छेड़ना।